मित्रों नमस्कार, मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। मित्रों आज के वीडियो में मनोविज्ञान कार्यक्रमित अधिगम के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए मित्रों शुरू करते हैं। स्वचालित या आत्म केंद्रित अधिगम को क्या कहते हैं, बताइए। उत्तर है कार्यक्रमित अधिगम कहते हैं स्वचालित अधिगम को। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिए, ऐसा ज्ञान जो हम शिक्षक के बिना स्वयं मशीनों के माध्यम से सीख लेते हैं उसे कैसा अधिगम कहते हैं, जी बताइए। उत्तर है उसे हम कार्यक्रमित अधिगम कहते हैं जो मशीनों की सहायता से सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्यक्रमित अधिगम शिक्षण का वह तरीका है जिसमें बालक स्वचालित आत्म केंद्रित विधियों एवं मशीनों द्वारा अधिगम करता है, यह परिभाषा किसने दी है। उत्तर है यह परिभाषा कुक ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्यक्रमित अधिगम दो प्रकार का होता है, जी बताइए। उत्तर है रेखीय कार्यक्रमित अधिगम, इसके जनक स्किनर महोदय हैं। दूसरा है शाखीय कार्यक्रम अधिगम, इसके जनक नॉर्मन क्राउडर हैं। अगला पॉइंट है शिक्षण मशीन क्या है। देखिए उत्तर है, पहला पॉइंट है शिक्षण मशीन एक उपकरण या साधन है जिसका प्रयोग कार्यक्रमित अधिगम विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर से किया जाता है, इसे हम शिक्षण मशीन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण मशीन के जनक सिडनी प्रेरी हैं। 1926 ईस्वी में शिक्षण मशीन का पहली बार प्रयोग किया गया। तो मित्रों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।